नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मीरा रोड नगर निगम की बड़ी लापरवाही, बायोगैस के खुले गड्ढे में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत, मामला दर्ज। मुंबई के मीरा रोड इलाके में नगर निगम द्वारा बायोगैस परियोजना के लिए खोदे गए एक खुले गड्ढे में शुक्रवार 21 जून को एक 5 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। इस मामले में काशी मीरा पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया है, साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे हुई, जब श्रेयांशु सोनी नाम का लड़का मीरा रोड स्थित अपने घर के पीछे बगीचे में खेल रहा था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को जूनियर किंडरगार्टन का छात्र श्रेयांश स्कूल गया था और दोपहर 12 बजे तक घर लौट आया। इसके बाद शाम करीब 4 बजे श्रेयांश ने अपनी मां को बताकर जीजा माता उद्यान में खेलने चला गया। इसके बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो उसकी मां ने उसे ढूंढना शुरू किया और जब वह नहीं मिला तो पूजा ने अपने पति को फोन किया। खेलते समय गड्ढे में गिरा बच्चा। इसके बाद दादर में पान की दुकान चलाने वाले उसके पिता मोनू ने तुरंत अपनी दुकान बंद की और घर वापस जाने लगा। वहीं रास्ते में उसे पूजा का फोन आया, जिसने बताया कि श्रेयांश बगीचे के पास पानी के गड्ढे में मिला है। वहीं मोनू ने बताया कि श्रेयांश के सबको बाद में स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से गड्ढे से निकाला गया। इसके बाद उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता ने बताया कि मीरा भयंदर नगर निगम ने करीब 2 साल पहले बायोगैस परियोजना के लिए गड्ढा खोदा था, तब से किसी ने इस पर काम नहीं किया, जिसके कारण पानी जमा हो गया और मेरा बेटा खेलते समय दुर्घटनावश उसमें गिर गया। मोनू ने आगे कहा कि नगर निगम की कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया, अगर उन्होंने गड्ढे के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया होता तो मेरा बेटा गड्ढे में नहीं गिरता। शुक्रवार देर रात कश्मीरी पुलिस ने मोनू का बयान दर्ज किया, जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने बताया कि हमने अज्ञात नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, हम लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।